प्रदर्शनकारियों के चक्कर में खुद भी पिट गए एसडीएम साहब, देखिए लाठीचार्ज का वायरल वीडियो। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। देश के अलग अलग राज्यों में संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बिहार में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी के फव्वारे भी छोड़े गए। वहीं लाठीचार्ज के दौरान एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम पर ही लाठी चला दी। पुलिस वाले ने जिस एसडीएम पर लाठी चलाई है वे पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडली। प्रदर्शन के दौरान पटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। सड़क पर हो रहे प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हो गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं चार्ज के दौरान पटना एसडीएम श्रीकांत कुंडली खंडेकर भी मौके पर मौजूद थे, जिन पर पुलिस वाले ने लाठी चला दी। हालांकि एसडीएम पर लाठी गलती से चली थी। पुलिस वाले के लाठी चलाए जाने पर एसडीएम ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा है कि पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। बता दें कि श्रीकांत कुंडली खंडेकर 2020 बैच के IAS अधिकारी हैं।